ओके वेलकम फ्रेंड्स, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी 12th कॉमर्स में पढ़ रहे हैं या कोई भी फील्ड में पढ़ रहा होगा और जिन्हें CA फाउंडेशन का अटेम्प्ट देना था। अब तक तो वो नवंबर 2021 ये अटेम्प्ट दिमाग में पकड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही एक नोटिफिकेशन आता है 13 अक्टूबर 2020 और बच्चों को बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं, अरे अब आप तो मई 2021 का भी अटेम्प्ट दे सकते हो। लेकिन अब सवाल ये आ गया बच्चों के सामने, क्या सर पहली बात तो ये सच है क्या? तो आंसर इज यस, ये सच है। दूसरी बात सर, लेकिन अभी बोर्ड के एग्जाम होने के बाद तुरंत हम 2021 मई में अगर एग्जाम दे तो बहुत कम टाइम मिलता है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसके बारे में आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं और मेरे ओपिनियन आपके सामने रखने वाला हूं। डेफिनेटली हेल्प होगी, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अब तीसरा सवाल सर, कब तक रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है? और चौथा सवाल बहुत ही वैलिड बट इलॉजिकल रहेगा, लेकिन ठीक है, आपके लेवल पे हम समझ सकते हैं कि सर उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2021 के पहले अगर जो रजिस्ट्रेशन करता है, ये सब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं, तो उन्हें मतलब मई 2021 का अटेम्प्ट देते आएगा, मई और जून जब भी होगा, और अगर उन्हें नवंबर का अटेम्प्ट देना है तो 1 जून के पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो कुछ बच्चों ने तो ये भी पूछ दिया कि सर दो दो बार करना पड़ेगा क्या? तो बट ऑब्वियस ऐसा नहीं है करके। दोस्तों कुछ FAQs पूछे गए थे, आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको दिख रहा है कि बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, जहां पे अब एक चीज तो श्योर है कि जैसे ही स्टूडेंट 10th का एग्जाम क्लियर करता है, पहले भी हुआ करता था प्रोविजनल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन, बस उन्हें पहली वाली स्कीम अब वापस लेके आए हैं। लेकिन आपके लिए नया है इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना जरूरी है और आपसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है करके। अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 3, सर आई एम अ क्लास 12th स्टूडेंट हु विश टू बिकम CA, व्हेन आई कैन रजिस्टर फॉर द फाउंडेशन कोर्स। तो उन्होंने कहा है कि अब अगर आपको मतलब एटलीस्ट 4 महीने का प्रिपरेशन लगता है एग्जाम के पहले, और 4 महीने एग्जाम के पहले आपने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए जब भी एग्जाम होगी। तो इस केस में उन्होंने क्लियरली 2 डेट मेंशन की है, 1 जैन बिफोर ऑन और बिफोर 1 जैन, मतलब आप आज भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इस मोमेंट पे कर सकते हो रजिस्ट्रेशन अगर आपको मई 2021 का अटेम्प्ट देना है, और अगर आपको नवंबर 2021 का अटेम्प्ट देना है तो उन्होंने कहा है बिफोर 1st डे ऑफ जून। तो मतलब सर आज का रजिस्ट्रेशन अगर आप ऐसे फॉर द टाइमिंग दिमाग में रखते हो कि मैं का सोचेंगे कर लेना है, हमको टेंशन नहीं रखना है, तो आज का रजिस्ट्रेशन अगर आप आज कर रहे हो तो आपको वो मई के लिए भी काम में आएगा और आपको वो नवंबर के लिए भी काम है, तो कोई ऐसा टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन अभी कर लेते हो, बाद का बोर्ड एग्जाम के बाद देखेंगे सर, फिर वो एग्जाम फॉर्म आने के बाद वो भरना है कि नहीं उतना ही डाउट रहेगा। लेकिन आप लोगों को एक रिकमेंडेशन रहेगा मेरी तरफ से कि आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, ऐसे कोई वेट करने की जरूरत नहीं है सर जैन तक और हमको नवंबर अटेम्प्ट नहीं देना तो सर सॉरी मई अटेम्प्ट नहीं देना तो हम नवंबर में देंगे तो बाद में कर ले क्या सर, चलेगा बिफोर 1 जून आप करो। लेकिन अगर बहुत सारे सवाल और कंफ्यूजन है, क्लासेस वाले आपको अलग अलग बातें कह रहे होंगे, राइट, हर टीचर का एक सोचने का तरीका होता है, एक प्लान होता है, तो हम फिलहाल क्योंकि कुछ बच्चे बोर्ड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो आपको वो बोर्ड के बाद आने वाली बात है, तो रजिस्ट्रेशन अगर अभी भी करा के रखा तो आपके पास दोनों ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, मई का भी और नवंबर का भी। समझ में आ गया? तो इसीलिए ये कंफ्यूजन वो सोच लेंगे बोर्ड के बाद, ऐसे भी 2 महीने जब बच्चा 12th के एग्जाम देता है तब तो वो डेफिनेटली CA फाउंडेशन का नहीं पढ़ता, भले आप दिसंबर तक पढ़ाई कर लो, लेकिन आपको जनवरी फरवरी मार्च ये मेन जो साल है आपका 12वीं परसेंटेज, क्योंकि लोग देखते हैं ऐसा हमारा मानना है और इंपॉर्टेंस है हमारे सोसाइटी में 12th बोर्ड का, तो इसलिए हम ज्यादा ही उस वक्त बोलते ना कि सेंट्रिक होते पढ़ाई, तो बोलते ना कि ज्यादा फोकस करते हैं 12th की पढ़ाई पे, तो 2-2.5 महीना तो कोई फाउंडेशन पढ़ने नहीं वाला, लेकिन दिमाग में हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए मेरा सजेशन रहेगा आज आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि अब इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आज भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अटेम्प्ट देने से अब रजिस्ट्रेशन करवाया मतलब क्या अटेम्प्ट देना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता, आप एग्जाम फॉर्म भरते हो तो उस एग्जाम के लिए अपेयर मतलब होना चाहिए, ऐसा उसका मतलब होता है करके, बट एनीवेज रजिस्ट्रेशन आप अभी करवा सकते हो। वही उन्होंने कहा है, एक सवाल तो ऐसे भी था कि सर मैं 12वीं की एग्जाम दे रहा हूं और मैं 12वीं फेल हो गया तो क्या मैं अटेम्प्ट दे सकता हूं क्या? मैं कहना नहीं, उन्होंने कहा कि अभी प्रोविजनल बेसिस पे कर लो, 4 महीने पहले चाहिए रजिस्ट्रेशन, ओके, लेकिन आप फेल हो रहे हो तो वेट करना, अक्टूबर जो वापस रिवाइज एग्जाम होती है 12वीं का वो पास होकर फिर नवंबर दे देना। लेकिन बहुत कम बच्चे, मुझे लग रहा है कि ऐसे कोई किसी के साथ होगा नहीं, बट डोंट वरी, राइट।
ओके सर, अब देखते हैं क्या मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस चार्ट को। सर और मैडम, क्या सिनेरियो होगा, ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं हम लोग। आपका फरवरी और मार्च में एग्जाम होने वाला है, और ये अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शांति से सुनना। पहला डाउट मेरे मन में ये है, क्या सच में फरवरी और मार्च में एग्जाम होगी क्या? क्योंकि कोरोना की वजह से अभी तक कॉलेजेस नहीं शुरू हुए हैं, ऑनलाइन चल रहा है, बट कितना इफेक्टिव हो रहा है उन्हें पता, क्लासेस में हम कर रहे हैं हमें पता है। बट अगर गवर्नमेंट इसको एक महीने से अगर आगे पोस्टपोन करते हैं, सपोज एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अप्रैल में या मई में, तो आपको उसके बाद कितना टाइम मिलेगा? ये देखो, मैं डरा नहीं रहा हूं, ये पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हर एग्जाम आजकल पोस्टपोन हो रहा है, और क्या पता तब तक वैक्सीन आ जाए या ना आए, तो ये क्वेश्चन मार्क है ना। तो इसीलिए आप इसका टेंशन लो ही मत। ऐसे भी आपकी बैच तो ये डिसाइड करके बैठी थी कि हमको नवंबर 2021 ही देना है ये वाला अटेम्प्ट, सो क्यों आप लोड ले रहे हो इतना? जस्ट बिकॉज कि एक नोटिफिकेशन दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको देना ही और आप प्रेशराइज हो जाओ। समझ में आ रहा है? फिर भी मैं आपको चीजें बता दूं, क्लियर कर दूं कुछ। एक पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं, ये पॉइंट तो मैंने रखा ही, लेकिन सुनो मैं आपको एक चार्ट बता देता हूं। सर और मैडम, अगर आपको मई 2021 का अटेम्प्ट देना है तो रजिस्ट्रेशन बट ऑब्वियसली बात हो जाती है, मैंने कहा है कि अब आप कर ही लो इतने एक दो महीने में, क्योंकि हमको सीए करना है, ये फिक्स है करके फाउंडेशन देना ही है, तो इन दो डेट्स में नहीं गए तो ही अच्छा है, ऑन और बिफोर 1st जन। लेकिन कोई बच्चा बोलता है सर हमसे 12वीं आता खाली मार्च में दे, और हमको अभी पेपर देना है मई में, तो मार्च के बाद रजिस्ट्रेशन करके मई में पेपर दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, उस केस में आप नहीं ऑप्ट कर पाओगे, एग्जाम फॉर्म भर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप एलिजिबल हो ही नहीं बिफोर 4 मंथ, एग्जाम के 4 महीने पहले जरूरी है। तो अगर ऐसे कुछ सोच के रखा है तो कर लो, नहीं तो नवंबर 2021 के लिए तो आप एलिजिबल थे और रहोगे, बराबर? ओके, अगर मई 2021 में आप पास हो जाते हो, सर एक तुक्का मारना है हमको, पास तो पास फेल तो फेल, अगर मार्च में एग्जाम हो जाती है अप्रैल में 2 महीना पढ़ेंगे, 1.5 महीना पढ़ेंगे, पास हो गए तो आगे, पास नहीं हुए तो है ही नवंबर अटेम्प्ट वापस नवंबर 2021। एक ऐसा भी एक पर्सपेक्टिव बन सकता है कि सर एग्जाम का पता तो चलेगा पेपर कैसे आते, लेकिन भाई तेरे को वही पता करना है, मॉक पेपर दो ना, क्यों अटेम्प्ट लगवा लेना है अगर आप हाफ प्रिपेयर्ड हो तो, अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो तो। समझ में आ रहा है? तो मेरा तो बहुत ही जेन्युइन सजेशन रहेगा, क्योंकि आपके चारों पेपर एमसीक्यूज नहीं है दोस्तों, आप अगर और ठीक है, ये चार्ट खत्म करता हूं, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इससे फायदा क्या होने वाला है वो बता दो। अगर कोई बच्चा मई 2021 में पास हो जाता है तो उसका इंटर का एग्जाम, सीए इंटर का अटेम्प्ट आएगा मई 2022 में, 9 मंथ्स, राइट? और नवंबर में पास आउट होता है तो नवंबर 2022 में आता है, तो सिर्फ 6 महीने का फर्क पड़ने वाला है, वो तो बट ऑब्वियस कॉमन सेंस की बात थी, आपके सीए होने में और नहीं होने में इस नोटिफिकेशन से 6 महीने का फर्क आने वाला है। लेकिन जो बहुत ज्यादा श्योर है कि हम हो ही जाएंगे, 1 महीना काफी है, वही लोग इसके पास जाए, अननेसेसरी प्रेशर लेके कोई मतलब नहीं है, 6 महीने का सिर्फ आपका आगे और पीछे हो सकता है। सर समझ में आ रहा है? सर ओके, अब मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सर क्यों 1 महीने में थोड़ा डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है, लेकिन क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज सर यहाँ पे ना ये दो जो पेपर दिख रहे हैं हमको, अकाउंट्स और लॉ, ये रिटर्न में है, इसका क्या उतना प्रैक्टिस हो पाएगा क्या, सवाल नंबर वन। अगर हो रहा है, देखो मैं कुछ भी आपको बोल नहीं रहा हूँ फोर्सफुली कि आप ऐसे करो, ये सिर्फ मेरे ओपिनियन आपके सामने, एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा हूँ, सिर्फ आज कुछ भी डिसीजन ले रहे हो क्योंकि आपको नहीं पता आगे क्या सिनेरियो है, और 3 महीने जब आप 12वीं फोकस फुल्ली कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तब फाउंडेशन का तो साइड में रह ही जाता है, आप कितना भी कोशिश कर लो, क्योंकि आपको भी पता है कि आपने 6 में से अब तक सिर्फ 3 या 4 ही सब्जेक्ट को जस्टिस दिया हुआ है, बाकी 3 तो आपने एग्जाम के पहले या एग्जाम के पहले मंथ्स पे रखे हैं, जैसे लैंग्वेजेस हो गए और कोई सब्जेक्ट रहेगा आपका एसपीओसी वगैरह। तो दोस्तों मुझे पता है कि वो 3 महीने बोर्ड के आप फाउंडेशन बहुत ज्यादा या नहीं पढ़ने वाले हो, और अगर 2-3 महीने भी गैप रहा तो हमको ऐसे लगता है अरे वापस शुरू कर ऐसा है, सो ठीक है। एनीवेज मैं बता रहा हूँ आपको 2 महीने में क्या दिक्कत है, इकोनॉमिक्स और मैथ्स को तो प्रैक्टिस लगती है सर, उनको नेगेटिव मार्किंग भी है, सो बेटर क्यों ना हम ऐसा समझे, ये मेरा ओपिनियन है अगेन, कि अगर अप्रैल में फिर देखो आप ना बहुत ज्यादा शांत रहते हो और पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी चल रही है, सो सर हम लोग अगर ये चाहे कि हम नवंबर में एग्जाम देंगे, सर ये देखो तो नवंबर में अगर आप एग्जाम देने का सोच रहे हो दोस्तों, 6 महीने का फर्क, क्योंकि अब आपको समझ रहा है वो कि होगा, बट पहले तो नवंबर में ही देने वाले थे तुम लोग। अब एक नोटिफिकेशन, ये किन लोगों को फायदा है जिनको 10वीं से पता है कि हमको 12वीं के बाद तुरंत
2 महीने में पेपर देना है। अब उन लोगों का प्रिपरेशन भी वैसा होगा। आप, मैं ऐसे नहीं बोल रहा आप नहीं कर सक, लेकिन कुछ कुछ बच्चे इन्हीं 6 महीने के भरोसे बैठे थे कि अप्रैल में हमारा एग्जाम हो जाएगा, मार्च अप्रैल में, और हम इस 6 महीने में सीए फाउंडेशन को तोड़ देंगे, फाड़ देंगे और पास हो जाएंगे करके, राइट, सीए फाउंडेशन को खत्म कर देंगे। अब अचानक से क्यों प्लानिंग चेंज कर रहे हो? क्योंकि आप लोग उस मेंटेलिटी से ही आगे बढ़ रहे थे, समझ में आया? तो दोस्तों, कोई भी अपने आप को कोई कम नहीं समझेगा, और कोई दे रहा है तो ऐसे नहीं कि वो बहुत भारी है। क्यों गेम खुद के साथ, मतलब बोले खिलवाड़ मत करो, खुद की भावनाओं के साथ, खुद के प्रिपरेशन के साथ। हाँ, अगर आप आज से दिन रात करके पढ़ रहे हो शायद पॉसिबल है, लेकिन ये कुछ मुद्दे आपने सोचना चाहिए थे, ये सोचने चाहिए थे रादर। तो राइट, तो एक तो आप मई में भी दे सकते हो, आप नवंबर में भी दे सकते हो, लेकिन कुछ वैलिड पॉइंट मुझे आपके सामने रखने थे। और मुझे ऐसे लगता है कि आप ऐसे भी पहले 2 साल से कुछ बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टर 10th 11th से कि मुझे सीए करना है, उन्होंने तो ये ठान लिया था कि यार 6 महीने बाद में प्रिपरेशन का, कुछ बच्चों का ऐसे कैलकुलेशन था। अब अगर आपका पढ़ाई हो गया है तो दे दो, लगता है सर रिस्क है, बहुत सारा रिस्क है, और उसके चक्कर में 12वीं पे बोर्ड पे इंपैक्ट होने वाला है, तो भाई शील मारो, रजिस्ट्रेशन कर लो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम देना मैंडेटरी नहीं होगा अगर आपने आज भी रजिस्ट्रेशन किया तो। ऐसे मत सोचना कि सर 1 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन किया तो कंपलसरी में देना पड़ेगा क्या, ऐसा नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन आज भी करोगे, क्योंकि आप लैंग्वेज अगर पढ़ोगे, आप लॉ के स्टूडेंट हो, मतलब लॉ पढ़ते हो आप, उन्होंने देखो ये वाला लाइन पढ़ो, जिनको क्या देना है, नवंबर में एग्जाम देना है, ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई फॉर द एग्जामिनेशन, देखो ऑन और बिफोर, और फर्स्ट डे ऑफ जुलाई बिफोर फॉर द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मे और जून, एक मिनट, नवंबर दिसंबर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना ऑन और बिफोर, ये इंपॉर्टेंट है। अब ऑन और बिफोर बोला है तो एक तो 1 जुलाई ऑन, 1 जुलाई ना, हाँ 1 जुलाई ऑन, और बिफोर मतलब बिफोर तो अभी भी आ गया, तो आज भी आपने किया तो चलेगा। तो वो डाउट निकाल लेना कि सर ऐसे नहीं कि आपने आज 1 जुलाई 1 जैन से पहले अगर रजिस्ट्रेशन किया तो आपको मई देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बार बार इसको रिपीट करो कि बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, वो एग्जाम फॉर्म भरने का सिर्फ तारीख आता है करके, और आपको भी आएगा, आपको नहीं देना मत भरो, आपके पास दोनों ऑप्शन वैलिड रहेंगे। तो दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही था। नोटिफिकेशन में आपको सवाल भी दिए हैं, रजिस्ट्रेशन सर वेयर कैन आई रजिस्टर माई सेल्फ फॉर द फाउंडेशन कोर्स, आपके पास पीडीएफ आ ही गया रहेगा, उसमें लिंक दी है करके, आप रजिस्टर कर सकते हो। देन स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, और सारी ये क्वेश्चन उन्होंने दे दिए है करके, राइट, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। और बेसिक कि अभी आप जो इस अटेम के बच्चे हैं 12th के, उनके साथ ये डिस्कस करना, मुझे डिस्कशन करना जरूरी रहेगा। और दोस्तों वाइज डिसीजन लेना, जान इंपॉर्टेंट है, जान है तो जान है, टेंशन मत लेना, राइट। सीए आपकी जिंदगी नहीं है, वो एक कोर्स है जिसको हमें ख़त्म करना है हमारे हिसाब से, हमारी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, राइट, हमारे मेंटल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। और जो सिनेरियो चल रहा है, आई डोंट थिंक सो कितना ज़्यादा पैनिक होना इस मोमेंट पे सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको मेरी तरफ से मेरी बात कंप्लीट कर दी है, अच्छे से सोचो, अपना कॉल खुद लेना, बट मेरा ओपिनियन मैंने रखा है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।